नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के एप्टीट्यूड सीरीज में। आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर वीडियो वाले स्टैप में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। हम लोगों ने चीज़ों को आसान रखने के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, बस अभी IFT का एग्जाम आ ही है, तो IFT के भी आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा ना सिर्फ इस तरह के वीडियोज, अगर आप स्नैप, NMAT, ZAT, IFT, MAT, CMAT इस तरह के एग्जाम्स, या फिर इसके अलावा जॉब रिलेटेड एग्जाम्स या GRE, GMAT के एग्जाम्स देने का सोच रहे हैं, तो फिर इस तरह के वीडियो जैसे कि आपको क्वांट के, जिया ज्योमेट्री के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा के क्वेश्चन स्क्रैच से बताया मैंने यहाँ पे, बेसिक एल्जेब्रा, एल्जेब्रा इस तरह से, DILR भी आप चाहें तो देख सकते हैं, बार ग्राफ ये आप देख सकते हैं, टेबुलर ग्राफ, ये एक टेबुलर ग्राफ है, ये बहुत अच्छा एवरेजिंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो बहुत फ्रिक्वेंटली आज ZAT में पूछा गया, कैट में भी, और 2016 में IFT में पूछा गया है। इस तरह से और बहुत सारे वीडियोज हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका टारगेट एग्जाम है GRE या ZAT या IFT या स्नैप या CMAT, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए होगी अच्छी, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट डेवलपमेंट सेशन और ये सेशन और तेजी से अपलोड हो जाएंगे, तो GDPI के लिए जाएंगे तब, राइट। चलिए स्ट्रेट अवे आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, आज एक और LR का डिस्कशन। इसके पहले के कुछ वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैंने DILR कोशिश किया कि 2017 और 16 फटाफट आपके लिए कवर करते जाऊं। IFT का तो डेडिकेटेडली ये भी IFT के लिए ही है, लेकिन आपको उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि IFT 2017 का मैंने LR लिया है, और उसके इसके साथ साथ एक बात आपको बताता हूँ कि 2017 में DI एंड LR ये एक सिंगल सेशन थे, सिंगल सेक्शन थे, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, तो इस हिसाब से अच्छा। बाय द वे, LR 2017 के पहले हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो LR के जो क्वेश्चन होते थे 0.75 मार्क्स के, और DI 0.5 से लेके 0.75, और DI के क्वेश्चन 1 मार्क्स के। लेकिन 2016, या आई शुड हैव सेड 2016, लेकिन 2017 में, मतलब एग्जैक्टली लास्ट ईयर, DI का सेगमेंट एकदम अलग था और LR बिल्कुल अलग था। इसलिए DI का कट ऑफ अलग निकाला गया था, LR का कट ऑफ अलग निकाला गया था, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन 2016 के ऊपर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, तीन चार क्वेश्चन इसके साथ इसके ऊपर है। ब्लड रिलेशनशिप का बहुत अच्छा, सिंपल और अच्छा क्वेश्चन दिया गया। एक आइलैंड के बारे में बोला गया, उस आइलैंड का नाम है नेवरलैंड। यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइब्स हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़िएगा जरूर क्वेश्चन को, ए एंड बी, और ये ए एंड बी के अलावा और कोई ट्राइबल पॉपुलेशन वहां नहीं रहती है। शादी के लिए कुछ कानून है, कुछ नॉर्म्स है जिनको इनको फॉलो करना है। सबसे पहला तो ये है, कोई भी इंसान जो है वो शादी नहीं कर सकता अपने ही ट्राइब में। दूसरा दूसरा जो मतलब नॉर्म्स, दूसरा कानून है वो ये है, आफ्टर बींग मैरिड जो भी मेन होंगे वो उनकी वाइफ की जो ट्राइब होगी वो सेम की सेम रहेगी। आप शादी के बाद भी अगर एक जो उनकी वाइफ है अगर वो ट्राइब बी की थी तो वो बी की ही रहेंगी, अगर वो ए की थी तो ए की ही रहेंगी, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसके अलावा लेकिन जो मेन है उनका ट्राइब जो वो चेंज हो जाएगा, ए से बी चले जाएंगे या फिर बी से ए, वाइस वर्सा जो भी है। दूसरी चीज, बच्चे का जब जन्म होगा तो जो माँ जिस ट्राइब की होंगी, अगर माँ बी ट्राइब की होंगी तो बी होगा, और अगर ए ट्राइब की होंगी तो ए होगा। एक पुरुष जो है, एक मेन जो है अपनी ट्राइब में, जैसे मान लेते हैं शादी के पहले एक इंसान, एक मेन ए ट्राइब का था और शादी के बाद फिर वो बी ट्राइब में हो गया, शादी क्योंकि बी ट्राइब की महिला से होगी तो ट्राइब चेंज हो गया उनका। लेकिन अगर वो इंसान डिवोर्स हो जाता है या फिर एक विडोवर है तो वापस अपने ट्राइब में फिर से आ जाएगा, ठीक है। एज पर द नॉर्म्स नोबडी कैन हैव एक से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं हो सकते उसके, तो ये सवाल है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। मेरा जो मेन एजेंडा इन वीडियोस को बनाने का वो ये है कि IFT में आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन मेटिकुलसली क्वेश्चन को पिक करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से पिक कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस पेपर में। बहुत अच्छा एग्जाम है IFT का दिल्ली कैंपस के लिए, कोलकाता, और अब तो काकीनंदा भी आ गया AP में, आंध्र प्रदेश में, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस एग्जाम में। अ फीमेल इन ट्राइब बी, चलिए जी, एक फीमेल है जो ट्राइब बी में, देखिए तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रखते चीजों को। ये रही एक, मैं यूजुअली ब्लड रिलेशनशिप को इस तरह से बनाना प्रेफर करता हूँ। जैसे आप अपने ऊपर लेके देखिए, ये आपके पिताजी हो गए, आपके फादर साहब हो गए, ये हो गए आपकी मदर, मान लेते हैं आप दो भाई बहन हैं, ये हो गए आप खुद और ये आपकी सिस्टर, यू गॉट मैरिड, ओके, और आपका एक बेटा हुआ, आपकी सिस्टर शी गॉट मैरिड, ओके, उनके दो बेबी हुए। तो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना बायो, मैं बोलता हूँ कि हमेशा ना वैसे रखो, एकदम सिंपल रखो ना, कुछ इसमें उठा पटक नहीं, एकदम सिंपल, ठीक है। अब आप देखो इस सवाल को हम एकदम सिंपल बनाते हैं। अ फीमेल इन ट्राइब, थोड़ा स्लो बताऊंगा मैं ताकि आप इसको कैप्चर करते चले। एक फीमेल है जो ट्राइब बी में, देखिएगा ध्यान से, ये रहे फादर साहब, ये हो गई माँ, और एक फीमेल है जो ट्राइब बी में, तो मान लेते हैं ये वो फीमेल है, मैंने F करके लिख दिया, फीमेल ट्राइब बी की है, कब संभव है
ऑब्वियसली इनकी मदर ट्राइब बी की होंगी, इनके पिताजी रहे होंगे वो ट्राइब ए के रहे होंगे, लेकिन बाद में शादी के बाद, तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, और डायरेक्शन याद ना आए तो फिर एक बार आप वापस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इनके पिताजी शादी के बाद तो ऑब्वियसली बी ट्राइब में ए भी आ गए होंगे। मैटर्नल अंकल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए आप, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, तो मैटर्नल मतलब मम्मी के साइड से, तो ये हो गए इनके माता जी के साइड से, इनके माता जी के, इनकी जो माँ है, इस लेडी की जो माँ है, इनके माता पिता, ये हो गए इनके पिताजी और ये हो गए इनकी माँ। इन लेडी की जो मदर है ऑब्वियसली ये भी बी ट्राइब की होंगी, राइट। और इनके जो पिताजी हैं ऑब्वियसली बात है ये पहले ए ट्राइब के रहे होंगे और शादी के बाद ये हो गए होंगे बी। चलिए देखें जी, हम लोग यहाँ पे आते हैं, अ फीमेल इन ट्राइब बी, देखिए तो मैंने सही बनाया, ये फीमेल है ट्राइब बी की, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिएगा क्या लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है ग्रैंड मैटर्नल ग्रैंड मदर बॉर्न इन ट्राइब ए, ये रहे मदर, मैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब ये मम्मी के साइड से, जिनको क्या बोलते हैं नानी बोलते हैं ना, नानी हम वो, तो ट्राइब ए, नहीं, ये तो ट्राइब बी की है, गलत बात, ये तो एकदम गलत बात है, तो अच्छा नहीं स्टेटमेंट, दिस इज अ बैड स्टेटमेंट, उल्टा सुलटा हो गया। सेकंड देख लेते हैं, पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड से, पैटर्नल ग्रैंड मदर जो दादी बोलते हैं हम लोग, पैटर्नल ग्रैंड मदर बॉर्न इन ट्राइब ए, चलो पैटर्नल ग्रैंड मदर यहीं पे बनाता हूँ कलर चेंज करके, ठीक है। पिताजी आपके पिताजी की ये मम्मी पापा होगा, ये रहे आपके पिताजी, पहले तो ए ट्राइब के थे तो इनकी माँ तो ए रही होंगी, नहीं इनके पिताजी पहले बी ट्राइब के रहे होंगे, शादी के बाद क्या बन गए होंगे, शादी के बाद ये भी ए बन गए होंगे, नहीं हालांकि पिताजी पे सवाल नहीं है, माँ पे सवाल है, तो ये क्वेश्चन जो इनकी मदर पे है, तो इनकी मदर जो है वो तो ए ट्राइब के हैं, पिताजी शादी के पहले रहोगे बी बाद में ए। चलो आ जाओ, पैटर्नल ग्रैंड मदर बॉर्न इन ट्राइब ए, चेक करें, ये रही वो गर्ल, इनके पैटर्नल ग्रैंड मदर, ये रही वो लेडी, इनके पिताजी की मम्मी, ये है ए ट्राइब की, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट ये तो सही है, थर्ड बोथ ट्रू, नो नन, गलत बात। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एक रेगुलर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, इस तरह से पूछा, आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें एक एक नहीं पूछा गया था, दो नहीं पूछा गया, तीन सवाल पूछे गए थे, एकदम अच्छे आसान आसान से तीन सवाल। चलिए नेक्स्ट पे देखें, अ बॉय बॉर्न इन ट्राइब बी, चलो अब मेरे साथ ड्रॉ करते चलो, थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बना बना के देख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेन बात है। तो एक लड़का जिसका जन्म हुआ, चलो भाई ये देख लेते हैं, ये रहे माता पिता, ये रहे इस लड़के के फादर साहब, ये हो गए इस लड़के की माँ, ये हो गया वो लड़का, ठीक है, जिसको वहां पे क्या लिखा हुआ, अ बॉय, मैं यहाँ पे बॉय लिख देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। चलो जी देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा, देखो, अ बॉय बॉर्न इन ट्राइब बी, इस लड़के का जन्म कहाँ हुआ, ट्राइब बी। देखो जी अब तक आप ये समझ चुके हो, अगर इस लड़के का जन्म ट्राइब बी में, इनकी मदर जो होंगी वो बी ट्राइब की होंगी, इनके पिताजी ऑब्वियसली ए ट्राइब के रहे होंगे जो कि बाद में कन्वर्ट हो गए होंगे बी ट्राइब में, यही तो डायरेक्शन है ना अपने पास। चलो, कैन हैव हीज डॉटर इन ट्राइब बी, चलो देख लेते ना, डॉटर ट्राइब बी में होने के लिए इनकी शादी होनी चाहिए एक महिला से जो ट्राइब बी की हो, और तभी तो इनकी लड़की होगी ना ट्राइब बी में, लेकिन क्या सेम ट्राइब में शादी हो सकती है क्या, नहीं, ये ट्राइब बी के हैं तो ये कैसे शादी कर ली इधर, क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकती, हटाओ इसे। सेकंड, कैन हैव ही इज डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बहू इन ट्राइब ए, डॉटर इन लॉ, चलो वो भी देख लेते हैं, डॉटर इन लॉ कहाँ पे होनी चाहिए, डॉटर इन लॉ होनी चाहिए बी की, चलो भाई वो देख लेते हैं, डॉटर इन लॉ होनी चाहिए ट्राइब ए, आई सॉरी ट्राइब ए की, तो ये शादी की है ऑब्वियसली, जब इन्होंने शादी किया तो इनकी वाइफ रही होंगी ट्राइब ए की, ये जो लड़के हैं ये कन्वर्ट हो गए होंगे ट्राइब ए में, इनकी मदर ट्राइब ए की थी तो इनका जो बेटा रहा होगा वो होगा ट्राइब ए का, डॉटर इन लॉ जो लेडी इनसे शादी की वो होंगी ट्राइब बी, सेम ट्राइब शादी नहीं कर सकते, बाद में लड़का भी बी में कन्वर्ट हो गया होगा, करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है, कैन हैव अ डॉटर इन लॉ एंड ट्राइब ए, अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया, ट्राइब ए नहीं ट्राइब बी होता तो मजा आ गया होता, ट्राइब बी तो गड़बड़ हो गया, तो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कैन हैव अंकल फ्रॉम एनी ट्राइब, कैन हैव अंकल इन एनी ट्राइब, बढ़िया क्वेश्चन, इसके लिए मैं एक सेपरेट फिगर बनाता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए अंकल मतलब चाचा बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब चाचा, वही ये हो गया वो लड़का, ये लड़के के माता पिता, ये उस लड़के के पिताजी, ये उस लड़के की मदर, और ये वो लड़का खुद, ठीक है। देखो क्या लिखा, अब लड़का बॉय इन मतलब सॉरी अब बॉय बॉर्न इन ट्राइब बी, तो ये लड़का जो है जिसको हम लोगों ने लिखा बॉय, और ये लड़का कौन से ट्राइब का है, बी, यहाँ पे थे हम लोग, और इनकी मदर,
तो इनकी मदर जी हैं, जो इनकी माँ है वो होंगी ट्राइब बी की। इनके जो पिताजी हैं वो ऑब्वियसली मतलब इनके डैड जो हैं वो रहे होंगे ट्राइब बी के, नहीं, और यही तो कन्वर्ट हुए होंगे भाई ट्राइब बी में शादी के बाद। अब इनके पिताजी जो हैं इनके माता पिता तो ये रहे भाई, ऑब्वियसली बात है ये जो है ए होंगे, तो इनकी मदर भी ए ट्राइब की रही होंगी, इनके फादर साहब रहे होंगे बी और बाद में कन्वर्ट हो गए होंगे ए में। लेकिन मजे की बात है, चलो मान लो इनके दो भाई हैं, समझने के लिए मान लो ये रहे, एक भाई अगर शादीशुदा नहीं है या डिवोर्सी है जो भी है, तो इनके भाई के तो वही ट्राइब होगा जो इनके पहले इनका था, मतलब इनकी मम्मी का था या पहले इनका था, तो वो ए। मान लेते हैं कि इनका एक और भाई साहब है जो ट्राइब शादी कर चुके हैं, तो शादी करेंगे तो एक लेडी से जिनका ट्राइब क्या होगा, दूसरा ट्राइब होगा बी, तो शादी के बाद ये भी क्या हो जाएंगे फिर बी। तो इनका एक भाई हो गया ए में, एक और भाई हो गया बी में, तो इस लड़के के अंकल मतलब चाचा ए में भी हो सकते हैं बी में भी हो सकते हैं, हो सकता है शादी ना हुई हो या हो सकता है डिवोर्सी हो, तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन चॉइस है। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन चॉइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, कैन हैव अ डिवोर्स्ड सन एंड ट्राइब बी। चलो वो भी देख लेते हैं, कैन हैव अ डिवोर्स सन एंड ट्राइब बी। आप एक बात ऐसे समझ तो चुके ही होगे, ये है वो लड़का जो मैंने बनाया था जो ट्राइब बी में है, ठीक है, इस लड़के की शादी हुई ये रहे एक ऐसी लेडी से जो ट्राइब ए में है, शादी के बाद ऑब्वियसली बात है ये खुद भी हो गया ट्राइब ए में। अब इनका हुआ लड़का, ये हुआ ट्राइब ए। अब यहाँ क्या लिखा जरा सवाल को देखो, कैन हैव अ डिवोर्स सन, भाई अगर सन का डिवोर्स होगा तो अपने इनिशियल ट्राइब में वापस आएगा, तो ए में आएगा बी में कैसे आएगा, रिजेक्टेड। ठीक बात है, मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, मैं चाहता था आप समझे सिर्फ इसलिए, इसको थोड़ी डिटेल में देखें हम लोग, सी इसका आंसर चॉइस है जो कि एकदम करेक्ट है, सही है। चलिए एक और देखें, इसी तरह से इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेस आर नॉट परमिसेबल, कौन से मैरिज मैरिज ऐसे हैं जो परमिसेबल नहीं, जो अलाउड नहीं होंगी, एनी विडोवर विडोवर मैरिज हिज वाइफ सिस्टर। चलो वो भी देख लेते हैं, इसको भी बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। एनी विडोवर मान लेते हैं ये है हो गए माता पिता, ये हो गया इनका लड़का, माता जी जो है ट्राइब ए की है, तो ये लड़का हो गया ट्राइब ए का। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एनी विडोवर, तो विडोवर है मतलब शादी मतलब विडो हो गया ये, तो विडो हो गया तो वापस अपने ट्राइब में आ गया, अपनी वाइफ की सिस्टर, तो इनकी वाइफ से जब ये शादी किया होगा तो इनकी वाइफ तो दूसरे ट्राइब की रही होंगी, और इनके वाइफ की सिस्टर भाई वो भी तो सेम ट्राइब की रही होंगी, करेक्ट पॉइंट है। ये रहे इनकी मदर, ये मदर भी बी ट्राइब की रही होंगी, पिताजी तो खैर ए से बी में गए होंगे, तो इनकी वाइफ बी ट्राइब की थी तो शादी पॉसिबल थी, यस। सिमिलर इनकी इनकी जो सिस्टर है उनसे शादी पॉसिबल है, यस, तो ये तो शादी पॉसिबल है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि नॉट परमिसेबल, तो ये तो परमिसेबल है, तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर नहीं, हटाओ इसे। सेकंड पे आओ, एनी विडो मैरिज द फॉर्मर डिवोर्स्ड हस्बैंड ऑफ हर डॉटर, बहुत ही खतरनाक सेंटेंस है भाई ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एनी विडो, चलिए तो एक महिला हम यहाँ पे ले लेते हैं, एनी विडो मतलब कोई भी विडो जो है, कोई भी लेडी जो है, तो ये हो गई पहले वो लेडी, ठीक है, ये इनकी डॉटर साहिबा, ये हो गए ए, ये हो गई बी, विडो है इसलिए इनको हटाए थे कि हस्बैंड को, ये हो गए इनकी डॉटर साहिबा जो गई बी। चलो जी यहाँ पे लिखे एनी विडो मतलब इनके बारे में बात करें, इफ शी इज द वन हु इज अ विडो, मैरिज मैरिज द फॉर्मर डिवोर्स्ड हस्बैंड ऑफ हर डॉटर, ये इनकी लड़की है, इनकी शादी हुई ये इनसे किससे, ट्राइब ए के लड़के से, बाद में जो बन गया बी में आ गया था, ठीक है। डिवोर्स के बाद ये लड़का कौन से ट्राइब में चला गया ये बताइए, डिवोर्स हुआ तो ये चला गया वापस बी में, वापस बी से आ गया ए में, तो आप बताइए ये दोनों की शादी पॉसिबल है क्या, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सोचेगा, ऐसे इमोशनली मत सोचेगा, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ ये होना चाहिए कि दोनों अलग अलग ट्राइब्स के होने चाहिए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तब तो ये परमिसेबल है यार, बेकार हमारे लिए तो डिजायर्ड आंसर नहीं, हमको नॉट परमिसेबल चाहिए। एनी एनी गर्ल ऑफ ट्राइब बी मैरिज हर मदर्स ब्रदर, चलिए ये भी देख लेते हैं, एनी गर्ल ऑफ ट्राइब बी, रेडी, कोई भी गर्ल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गए उस गर्ल के माता पिता, ठीक है, एनी गर्ल ये रहे ट्राइब बी, चलिए देखिएगा ना, एनी गर्ल ऑफ ट्राइब बी, तो मैंने ट्राइब बी के बना दिया, अगर ये गर्ल ट्राइब बी की, इनकी मदर भी होंगी ट्राइब बी की, करेक्ट है, और इनके भाई साहब किससे शादी करना है, यहाँ पे देखो, एनी गर्ल ऑफ ट्राइब बी मैरिज हर मदर्स ब्रदर। अब एक बात आई है, इनके मदर के ब्रदर
ये किस कौन से ट्राइब के होंगे, इनके जो मदर हैं उनके ब्रदर होंगे कौन से ट्राइब के, ट्राइब वंस अगेन सेम बी, ठीक बात नहीं, सेम ट्राइब हो गया यार ये तो, फिर अगर सेम ट्राइब होगा तो शादी कैसे होगी, नो नो इट्स नॉट परमिसेबल, परमिसेबल नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी गुड चॉइस, लेट्स सी द डी वन, उसके बाद फिर विल कम बैक टू दिस। एनी विडोवर बॉर्न इन ट्राइब ए, कोई भी ऐसा विडोवर है जो ट्राइब ए में बॉर्न हुआ तो फिर वापस ट्राइब ए में आके, मैरिज इज ब्रदर्स विडो, ब्रदर की विडो, तो जैसे यहीं पे बनाता हूं, चलिए ये दो भाई हो गए, ठीक है, तो ये विडोवर जो व्यक्ति है ये हो गया ट्राइब ए का, तो इनके जो भाई साहब थे ये हो गए, इन जिस महिला से शादी किए थे वो दूसरे, इनके भाई साहब भी ट्राइब ए होंगे, जिस लेडी से शादी किए होंगे वो ट्राइब बी रही होंगी, यहाँ पे क्या लिखा है, मैरिज इज ब्रदर्स विडो, तो इनके ब्रदर साहब नहीं रहे तो ये तो लेडी दूसरे ट्राइब की है, तो ए और बी बिल्कुल शादी हो सकती है, तो ये भी परमिसेबल है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चॉइस सी। मेरे ख्याल आपको डिटेल में बताना था क्योंकि आसान क्वेश्चन था, थोड़ा स्लो मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, राइट। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो उससे क्या अच्छा हो जाएगा, एक बहुत अच्छा केसलेट जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देखिए यार, जिस एग्जाम में 0.01 मार्क्स की अहमियत हो ना, तीन क्वेश्चन तो बहुत वेटेज कैरी करता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको 7 लोग दिए गए, जब आप इस बार जाएंगे आईएफटी का एग्जाम देने तो ध्यान देखिएगा, ये जानबूझ के यहाँ पे डी नहीं लिखा हुआ, ए बी ई एफ जी एच लिया, 7 एम्प्लॉयज हैं, इन 7 में से 3 महिलाएं हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेन कितने हुए, मेन हो गए 4, और फीमेल्स कितने हो गई, फीमेल्स हो गई 7, फीमेल्स हो गई 3, आई एम सॉरी, ठीक बात है भाई। चलिए लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको और आराम आराम से बताऊंगा, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, सी, डी है नहीं भाई, ई एफ जी एच, कितने लोग हैं हमारे पास, हमारे पास हैं 7 लोग, अग्री करते हैं, और 7 लोगों में से मेल कितने और फीमेल कितनी है, मेल जो है क्वेश्चन में गिवन है 4 है, और फीमेल्स कितनी है 3, मैं एक बार पीछे दिखा रहा हूँ आपको स्लाइड वापस से, आप चाहें तो वीडियो में पीछे आकर भी देख सकते हैं, 4 मेल है 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, वो तो हम लोग बना ही लेंगे, कहाँ जाएंगे बच के लोग, ये तो इस तरह से 3 अलग अलग डिपार्टमेंट कर लेते हैं, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स, चलो बढ़िया है, तो ये 3 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गए, फाइनेंस ये हो गए, राइट, और ये हो गए लॉजिस्टिक्स, विल कम बैक टू दिस। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, ईच एम्प्लॉय गेट्स अ डिफरेंट सैलरी, ये जानबूझ के दिया हुआ है, हो सकता है सैलरी से रिलेटेड सवाल होगा, देखेंगे आगे। एफ वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सही, अगर इतना क्लियरली दे दिया है तो और क्या चाहिए हमको, तो ये जो एफ एम्प्लॉय है ही वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पर्सनली ऐसे लिख के सर्कल करना प्रेफर करता हूँ, मैं अगर सर्कल करता हूँ तो मैं दोबारा सोचता नहीं, मतलब फिक्स्ड है इन्फॉर्मेशन, तो एफ की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है तो हटाओ इसको एफ को, तो एफ की पक्का इन्फॉर्मेशन हमारे पास, एफ वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हीज क्यों लिखा है बताइए, इसका मतलब एफ जो हो गया वो मेन में आ गया, मेल में आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ, ठीक है। चलो एंड ही इज ओनली कलीग, ओनली मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग होंगे, फिर ही इज, अच्छा यहाँ पे बाय द वे मैं ये वाला स्टेटमेंट आपको बताना भूल गया था कि हर एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज तो होंगे ही होंगे, तो सुनिए ना, मैं हर जगह कम से कम 2 ब्लैंक तो बना ही देता हूँ, 7 लोग हैं मुझे पता है, किसी एक जगह 3 आएंगे, देखते हैं, है ना। यहाँ पे वैसे क्लियरली बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफ वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंड ही इज ओनली अदर कलीग जी अर्न्स मैक्सिमम, इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग काम करेंगे, बढ़िया बात है, और यहाँ पे कौन आएगा, जी, हालांकि जी का हमको जेंडर नहीं पता है, ठीक बात है। सुनिए ना, एक वहां पे सैलरी का जिक्र किया, तो जैसे यहाँ पे बोला था ना, आप देख रहे होंगे आप यहाँ पे, एंड द अदर कलीग जी अर्न्स अ मैक्सिमम, तो ऐसे ही हो सकता है कहीं पे आगे जाके सैलरी के बारे में पूछे, तो जी मतलब 1 2 3 4 5 5 6 और ये हो गया 7, तो ऐसे साइड नंबर बना के रख देते हैं, हु नोज अगर जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेंगे, ये हो गया 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है सी द लीस्ट अर्नर वर्क्स इन फ्रांस, सुपर्ब, यहाँ पे सबसे नीचे कौन आएगा, सी, ये भी एकदम पक्का इन्फॉर्मेशन है, और ये जो सी है कहाँ पे है, फाइनेंस में, सर्कल करो यार, फिक्स कर दो इनको। चलो आगे चलते हैं,
द लीस्ट अर्नर वर्क्स इन फाइनेंस, बी एंड ई आर ब्रदर्स. हमारे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बी और ई दोनों के दोनों लड़के हैं. ये रहा बी और ये आ गया ई. आई क्या लिखा हुआ है? एंड आर नॉट इन द सेम डिपार्टमेंट. बहुत बढ़िया बात है. सुनो ना, मैं ऐसा लिख दूंगा, ये चलेगा? यहां पे तो फिक्स है, फिक्सड है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में दो ही हैं. तो या तो यहां पे बी आएगा या तो यहां पे ई आएगा, करेक्ट है? अगर यहां पे बी आएगा तो इधर ई आ जाएगा, और यहां पे ई आएगा तो फिर उस तरफ बी आ जाएगा. तो मैंने यहां पे लिख दिया बी ई ई बी. अगर कुछ और इंफॉर्मेशन आगे होगी तो कट कर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है. ए हस्बैंड ऑफ एच, सुपर. हमको यही चाहिए था क्योंकि तीन लोग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे, चार तो मेल थे, तो एक ही मेल बच रहा था और वो मेल आ गया हमारे पास ए. ठीक है, ए है जो हस्बैंड है किनके, एच के. तो यहां पे तीन महिलाएं जो बचने, देखो आप ए मैन हो गए, इसके अलावा बी हो गए मैन, ई हो गए मैन, सॉरी ई हो गए मैन, और इसके अलावा एफ, ये लोग हो गए मैन. तो कौन कौन बचते हैं? सी फीमेल हो गई, जी हो गई फीमेल, और एच हो गए. तो ये हो गए सी जी और ये हो गई एच, राइट? चलिए सही है. तो यहां पे लिखा ए हस्बैंड ऑफ एच वर्क्स इन फाइनेंस. चलिए अरेंज कर दें. तो ए यहां पे काम करेंगे, सुपर. अब तुमको पता है मैन मैन बना है, ये हो गया. ठीक है, हस्बैंड ऑफ एच वर्क्स इन फाइनेंस. और आगे कुछ लिखा है क्या? लिखा है वर्क्स इन फाइनेंस एंड अर्न्स मोर देन ई बी एंड, सॉरी एफ बी एंड ई. बहुत बेहतरीन. सो ए दिस गाय अर्न्स मोर देन एफ बी एंड ई, करेक्ट है? ये मत भूलिएगा, जी हाईएस्ट और सी लोवेस्ट है. चलो भाई एक और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ वो भी शायद लिखा हुआ था वहां पे. द वाइफ, द वाइफ क्योंकि एक ही वाइफ है और वो रही एच, इसलिए यहां पे आर्टिकल लगाया द. द वाइफ इन द कपल अर्न्स मोर देन द हस्बैंड, सुपर. एक ही तो वाइफ थी यहां पे एच, एंड शी अर्न्स मोर देन ए. तो यहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अब आप ये मत सोचना कि सर हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है. आप देखोगे तो बहुत कुछ अपने पास इन्फॉर्मेशन है. हर एक में एटलीस्ट दो लोग होने ही चाहिए थे, करेक्ट है? इसके दो फिक्सड है, ये फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स, दो ये हो गए. बी और ई एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो यहां पे बी आएगा, और अगर यहां पे बी आएगा तो ई आएगा, या फिर ई आएगा तो बी आएगा. तो एक बात तय रही कि फाइनेंस में तो तीन लोग आएंगे ही आएंगे. लेकिन अगर मैं एच को भी यहां लगा दूंगा ना, तो एल के पास तो फिर अकेले बी या ई में से कोई एक बचेगा. तो एक बात तय रही कि एच को यहां पे आना ही पड़ेगा. अग्री करते हैं? तो कुल मिला के इतना बना हमारे पास. एफ जी ये लोग आ गए अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, सी ए बी आई में से कोई भी एक फाइनेंस में, एच ई बी में से कोई भी एक लॉजिस्टिक्स में, करेक्ट है? चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं हम लोग इसे क्वेश्चंस. इसमें तीन क्वेश्चन आए थे, इन ये एक्चुअल ऑप्शंस है. आप चाहे तो आईएफटी के वेबसाइट में जाके पेपर को चेक कर सकते हैं. इन विच ऑफ द डिपार्टमेंट्स डज अ ग्रुप ऑफ थ्री वर्क. ऑप्शन चॉइस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं इतना प्रिसाइसली ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि फाइनेंस में ही तीन लोग काम कर रहे हैं. एक हो गया सी, एक हो गया ए, और एक हो गया बी या ई में से कोई भी एक. लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा लॉजिस्टिक्स, ये आंसर नहीं है. लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आंसर नहीं है. अब आप देखो यहां पर भी फाइनेंस लिखा, यहां पर भी. इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप मार्क कर सकते हैं. इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसका मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता. लेकिन आप चाहे तो सी भी मार्क कर दीजिए, आप चाहे तो डी. हालांकि इसका आंसर होना चाहिए फाइनेंस, इसका कोई और आंसर नहीं होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ये एक्चुअल में ऐसा ही क्वेश्चन था, आप आईएफटी की वेबसाइट में जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? चलो देख लेते हैं. बी अर्न्स लेस देन ए एंड एच, चेक करें. तो ये रहा बी, बी ए से तो कम अर्न कर रहा, और ए याद है आपको, ए जो है इनकी हाई वाइफ है एच, हाँ तो इनसे तो कम अर्न कर रहा है. वेरी गुड ऑप्शन चॉइस, ए एकदम करेक्ट आंसर चॉइस है. बी अर्न्स लेस देन एफ एंड एच, बी अर्न्स लेस देन एफ. अरे नहीं यार, बी और एफ इनका रिलेशन तो नहीं बता पाएंगे. हाँ एच से तो कम है, लेकिन इट्स नॉट गुड इनफ टू गिव द आंसर, वी नीड टू रिजेक्ट इट. एफ अर्न्स मोर देन बी, वंस अगेन एफ और बी का रिलेशन नहीं बता पाएंगे ना, इसका कौन ज्यादा अर्न कर रहा है, ये भी स्क्रैप ऑफ कर दो. बी अर्न्स मोर देन ई एंड सी, चेक करें. यहां लिखा बी अर्न्स मोर देन ई, नहीं 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 ये नहीं बता पाएंगे आप, तो ये हो गया गलत. क्या आंसर चॉइस हो गया इसका? इसका आंसर चॉइस हो गया ए. यहां पे क्या लिखा? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनकम, एच इज एट व्हाट पोजीशन, व्हिच पोजीशन. सबसे ऊपर तो आ गया जी, ठीक है. इसके अलावा कितने लोग थे? सात. सबसे नीचे आ गया सी, एक दो. अब एच जो है ए से भी आ गए, इन सभी लोगों से आ गए, तो ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और इन लोगों का चेक करना पड़ेगा. फोर फाइव सिक्स कौन आएगा? सेवन तेरह. कुल मिला के एच की तो सेकंड रैंक है, ठीक है. अगर हमसे ए भी पूछा तो हम वही बताए थे, तो ये हो गया सेकंड रैंक. एब्सोल्यूटली करेक्ट, राइट? तो मेरे ख्याल है ये आईएफटी 2016 के आपको छह क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ये आपको समझ में आए होंगे.
द ओनली आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चन इज आप फिगर आउट करो. मैंने बोला आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी, बढ़िया है, कम से कम दो मॉक टेस्ट दो. दो मॉक टेस्ट देने के अलावा मेटिकुलसली क्वेश्चन को सेलेक्ट करो. ये मत भूलना कि सेक्शनल कट ऑफ होंगे. जब संडे को आप पेपर देने जाओगे तो ये देखो कि चार सेक्शन है या छह सेक्शन है. चार और छह सेक्शन देखने के बाद आप ये देखो, अगर चार सेक्शन है तो क्वांट अलग सेक्शन है, वर्बल वीएआरसी एक सेक्शन होगा, यूजुअली तो ऐसा ही होता है, और डीआईएलआर कई बार हो सकता है. जैसे कि डीआईएलआर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मोर ऑफन देन नॉट डीआईएलआर एक सिंगल सेक्शन होता है और एक सेक्शन होगा जनरल एबिलिटी. लेकिन जैसे कई बार जैट में करते हैं, जैट में क्या होता है डीआई और क्वांट एक सेक्शन होता है, तो अगर कभी चेंज कर दिया जाए एफटीएम पैटर्न तो वो भी ध्यान देना. छह अलग अलग सेक्शन है तो मार्क्स जरूर देखो, क्योंकि आपको छह कट ऑफ निकालने होंगे और एक ओवरऑल कट ऑफ. फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया. इसके थोड़ी देर के बाद ही अगला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आईएफटी के लिए स्पेशली. आईएफटी के बाद इस तरह से हम लोग स्नैप में भी टारगेट करेंगे, उसमें भी फटाफट वीडियोज अपलोड होंगे. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम और फेस कर रहा है वो मुझे बता सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था फेसबुक में एनमैट के रिगार्डिंग. ठीक है, एनमैट का बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे, एनमैट में किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फाइन, तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चाहे कर सकते हैं. कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट होता है. आपको मजा आया नहीं मजा आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आपको ये फायदा हुआ कि नहीं. और इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए होगी, कोई और पर्टिकुलर टॉपिक समझना होगा, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं. तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ. नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर.